कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है। जैसा कि हमारे साथ जो जातियां सीएसटी ओबीसी के साथ जातियां हो रही हैं और उसके साथ ही जो एम्प्लाइज वर्ग है हमारा सीएसटी का जो ओबीसी का जो एम्प्लाइज वर्ग है उसके ऊपर भी जातियां की जा रही हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है। जैसे हमारे दीप रंजन डॉक्टर भारतभूषण जी हैं उनको सस्पेंड किया गया, अपनी नाकामियों के लिए खपाने के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया। और इसी तरह जो जातियां हैं सीएसटी ओबीसी के ऊपर जातियां जो हो रही हैं देश के अंदर तो हो ही रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये बहुत कम थी। जब तक ये दवा 370 नहीं हटी थी बहुत कम थी, लेकिन ये जातियां भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे हमारे इलेक्टेड सरपंचेज हैं पंचेज हैं उनके ऊपर जातियां हो रही हैं, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। जैसे कि डोडा में हमारी सरपंच हमारी ललिता देवी जी हैं, कुशाल में हमारी जो किश्तवाड़ में है कमलेश जी हैं, और इसी तरह बाकी भी जगहों पर हमारे जो इलेक्टेड सरपंचेज हैं उनको हरास किया जा रहा है। जैसे कि हमारे जो राहुल भक्त की दिन दिहाड़े उनका कत्ल किया गया, बाकी भी डिस्ट्रिक्टों के अंदर इसी तरह का जो सिलसिला जारी है। इसे देखते हुए और इसके साथ दूसरा हमारा जो मुद्दा है इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो अक्टूबर 2015 से लेकर चलता आ रहा है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब प्रीडेंशियल ऑर्डर निकल जाता है इसे रोकने के लिए बहाल करने के लिए, और जेके ड्यूटी के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन जितने हमारे जो हमारे आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो भी यहां पर लागू होते हैं। और बहुत मजेदार बात यह है कि 27% रिजर्वेशन जो कि ओबीसी के लिए है अब तक लागू क्यों नहीं किए, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का है चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है क्यों अगले पूरे देश के अंदर लागू है 27 वाई नॉट एंड जेएनके स्टेट। ये बहुत दुख की बात है। तो लिहाजा हम कहना चाहेंगे अगर जातियां नहीं रुकी रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं बहाल हुई तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा लोग जो है सीएसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वो रोडों पर आएंगे, बहुत बड़ी रैली करेंगे, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके लिए एनडीए एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होगी। जय भी नमस्कार, मैं आयुषी बल्होत्रा, आप जुड़ चुके हैं द जेके पेजेस के साथ। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज को लेके यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, आइए जानते हैं उनका क्या मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं श्यामलाल बसन। सर, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी इसके पीछे का मुद्दा क्या था जो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? इसके पीछे दो मुद्दे थे हमारे, एक तो हमारा जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं हमारे लोगों के ऊपर हो रही हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर हो रही हैं, एक मुद्दा हमारा दो और दूसरा हमारा रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मुद्दा था जो कि हमारा अक्टूबर 2015 से लेकर चला आ रहा है और उसके लिए जो ऑर्डर्स निकले हैं मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मतलब ऑर्डर लाया है, वहाँ पर स्टेटस को भी लाया था और उसके बाद प्रिडेंशन ऑर्डर निकला था 1 मार्च 2019 को और आज तक भी उसे लागू नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी इस वर्ग के साथ है जो कि हम किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं कर। दूसरी ओर हमारी जब से भी दफ़ा 370 हटी है हमारी एट्रॉसिटी जो हमारे लोगों के ऊपर एससी ओबीसी के साथ वो बढ़ी हैं, उनका ग्राफ देश में तो बड़ा ही बड़ा है लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कम थी, लेकिन जब से 370 हटी तब से हमारा जो ग्राफ एससी ओबीसी के ऊपर है एट्रॉसिटी का वो बड़ा है। हमारे लोगों को डॉक्टर दीपक को डॉक्टर भारतभूषण को उनको सस्पेंड किया गया और अपनी कमियों को छुपाने के लिए उनको सस्पेंड किया गया जो आज तक भी बहाल नहीं किया गया। हमारी ये मांग रहेगी एलजी साहब से हमारी मांग रहेगी कि जल्द से जल्द एक तो उनको बहाल किया जाए और दूसरे हमारे लोगों को जो भी हमारा कोई एचओडी बनता है उनको जल्द से जल्द एचओडी शिप से मतलब हटाया जाता है। आपके सामने जिंदा एग्जांपल जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जेएनके हमारे जो प्रिंसिपल बने थे उनको हटाया गया, बड़े तरीके से उनको मतलब हटाया गया और बाकी वालों को हरास किया जा रहा है। ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा हमारे इलेक्टेड पंचेज हैं सरपंचेज हैं चाहे वो हमारी किश्तवाड़ की है उसने तो रिजाइन ही दे दिया, इतना ज़्यादा हरास किया गया। वहाँ पर जो सुरेश शर्मा है इतना ज़्यादा बीडीसी मेंबर जो उसको हरास इतना ज़्यादा किया गया उसने रिजाइन ही दे दिया। तो उसके बाद हमारी ललिता देवी है उनको भी जो इसी तरह मतलब किया गया। हम चाहेंगे कि इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है, रोडों पर आएंगे हज़ारों की तादाद में रोडों पर आएंगे और इसके जो कॉन्सिक्वेंस है उसके लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होगी। सर, ये जो आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके पीछे की डिमांड्स क्या हैं आपकी, मेन डिमांड्स जो हैं वो क्या हैं आपकी? मैं मोहिंदर भगत
जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस का जनरल सेक्रेटरी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, वो दो ही इसमें आज मुद्दों के ऊपर हमारा फोकस रहा है। पहला नंबर तो पहले हम ये सुनते थे कि यूपी, बिहार, एमपी या राजस्थान में जो एट्रोसिटी हैं वो होती हैं। अभी जब से ये एबोगेशन 370 हुआ है, तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एट्रोसिटी का जो ग्राफ है वो डे बाय डे जो है वो बढ़ता जा रहा है। आम जो लोग हैं उनकी आवाज़ छोड़िए, जो हमारे एक डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड हमारे सरपंच पंच जो हैं वो मतलब कि अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे। आपके सामने दो तीन एग्जांपल्स हैं, हमारी एक डोडा की जो सरपंच इलेक्टर है उसको भी जाति सूत्र शब्दों का इस्तेमाल करके उसको हरास किया गया। उस दूसरी जो किश्तवाड़ की जो हमारी लेडी है उसके ऊपर भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। इसके साथ साथ और भी दूसरी जो एम्प्लाई हमारे हैं तो वो एससी कैटेगरी से जो अच्छे पोस्टों पे बैठे हैं उनको भी हरास किया जा रहा है और उनको सस्पेंड किया जा रहा है। और जैसे बसंत साहब ने कहा कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि हमारा जो जीएमसी में पहला प्रिंसिपल जो है कुछ ही दिन वहाँ पे वो उन्होंने काम किया, डे एंड नाइट डेडिकेशन के साथ काम किया, तो अल्टीमेटली वो चीज़ भी डाइजेस्ट नहीं हुई तो उनको वो वहाँ से हटा दिया गया। तो जय भी जय भारत। जिस तरह आपने देखा कि इनका कहने का यही मकसद है कि जो जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है उसके बाद से जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरीज है उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उनको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो एक दबाव में आके अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रहे हैं या तो उनको निकाला जा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आयुषी बल्दोत्रा जेके पेजिस के साथ, धन्यवाद।